जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन पंजाब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियंस, इसके रिगार्डिंगली फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? उन लोगों में से एक कैटेगरी कौन सी है जिन्होंने यूजीसी नेट का अभी तक पेपर तो फिल फॉर्म तो फिल कर दिया है लेकिन अभी उनका एग्जाम नहीं हुआ, तो वो वेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हमें अप्लाई कर देना चाहिए। अभी तक उनके लिए आंसर यही है, शायद जब तक ये वीडियो भी बन रहा है उनका उत्तर यही है कि 8/11/2021 तक आपके पास इन पोस्ट की पूरी एलिजिबिलिटी चाहिए, मीन इससे पहले आपका रिजल्ट जो भी है, बेशक वो 10th का पंजाबी का है, बेशक यूजीसी का है, वो आउट हो गया होना चाहिए। तो लेकिन दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो इनमें से ही कुछ उत्तर आए, मेरे कमेंट बॉक्स में भी पड़े हैं, उन्होंने बताया कि हम जस्टिस लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो यहाँ डिस्कस करूँगा। 2 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि जून 2021 के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है। अभी तक 2020 दिसंबर 2020 का जो एग्ज़ाम हो नहीं सका उसका कारण था कि कोविड के कारण वो डिले होता गया। अच्छा, तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये डिसीजन लिया था इसलिए क्योंकि एक यूजीसी का रूल है, ये रूल ही आपकी खुशी का कारण बन सकता है कि एक साइकिल है, यूजीसी ने जो साइकिल फिक्स किया है कि हर 6 महीने बाद यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब ईयर में 2 बार, ये सब आपको पता है, 2 टाइम्स होगा। तो अभी तक दिसंबर 2020 का एग्जाम नहीं हुआ, वो डिले होता होता जून 2021 का टाइम गुजर गया, फिर एनटीए ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि इनको भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं इनको भी इनके साथ मर्ज कर दिया जाए, और इनको मर्ज कर दिया गया, इन लोगों ने अप्लाई कर दिया लेकिन अभी तक इनका टेस्ट नहीं हुआ, रिजल्ट कैसे आएगा, पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, वो सारी डिटेल आपको सारी पता है। अब जो मेन पॉइंट है कि अगर ऐसा होता कि इनका टाइमली, जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे टाइमली उनका रिजल्ट आउट होता, फॉर एग्जांपल दिसंबर 2020 का रिजल्ट कब आ जाना था, जनवरी को, तो कुछ कैंडिडेट्स ने, जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे 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 कैंडिडेट्स थे, मान लीजिए ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं, वो पास हो गए, ये पास होने के बाद क्या होना था, जो ये डेट आई है 8/11/2021 तक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए थे, तो ये जो दिसंबर 2020 वालों को मौका ही नहीं मिला, तो वो कुछ पास हो जाने थे, वो पास हुए इसके लिए अप्लाई कर सकते थे और उनमें से कहीं की सिलेक्शन भी हो जानी थी। अच्छा लगता है ना सुनने में, सिलेक्शन भी हो जानी थी। अच्छा, इसके बाद जून 2021 का भी नहीं हुआ, उनका रिजल्ट भी कब आ जाना था, जुलाई में, अगस्त में, है ना, सितंबर में आ जाता, तो उनमें से भी कुछ कैंडिडेट ने ऐसे अच्छे अच्छे करके पास हो जाना था, 3 जने नहीं है, ये वैसे ही बना रहा हूँ, तो ये पास हुए कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। ये टेस्ट नहीं लिया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, जिसके कारण ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, इस इनजस्टिस को जस्टिस में कन्वर्ट करने के लिए नेचुरली ये लोग इनके पास जाने की सोच रहे हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके बेस पर ये आप लोगों को जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। अगर आप लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहते हो, मतलब अपनी तैयारी करते रहते हो सकता है कि आप भी इनमें शामिल हो जाओ, हो सकता है कि उनमें शामिल हुए गए कैंडिडेट्स में से
किसी की, कईयों की जो भी मेहनत करेंगे जहाँ मेरिट्स में आते हैं तो वो सिलेक्शन हो जाए। तो आपके चांसेस तो उन लोगों से ज़्यादा है जो बहुत देर से सुस्त बैठे हैं, जहाँ नहीं स्टडी से जुड़े हुए। तो आप तो अभी से 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने से स्टडी से जुड़े हुए हो, आपके चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी तैयारी इतने देर से चल रही है, मेरे ख्याल में आपको लगे रहना चाहिए। बाकी ये संघर्ष आप एसोसिएट होते हो नहीं होते हो, ये मैंने जो कन्वे करना था वो कर दिया है, आगे आपने मिलके सोचना है। दूसरा कारण क्या है कि अगर आप पोस्ट मिलनी है या चांस मिलना है, ये किसी को भी नहीं वह पता, तो अगर मिलता है यस होता है तब भी गुड है, अगर नहीं मिलता तो आप इसलिए कि मिल जाएगा आप मोटिवेट होते हो, ठीक है, मोटिवेट रहते हो तो आपको नेचुरली है 5-7 जो मार्क्स है वो प्लस हो जाएंगे। तो 5-7 नंबर प्लस होने से हो सकता है कि इस मोटिवेशन के कारण आपका नेट जो है, जो मार्जिन पर रहते हैं कई लोग, बहुत से लोग 2-3-4-5-6-7 मार्क्स पर रह जाते हैं, तो उनका फिर भी भला हो गया। तो इसलिए ये वीडियो बनाया है, तो आप लगे रहो, आप मेहनत करते रहो, अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इस वक्त दो अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, एक तो आपका नेट क्लियर हो जाए, इस समय अगर इजी हो गया, जितनी मेहनत करके हो गया, बाद वाली लाइफ में 5-10 साल बाद ये मेहनत करनी बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो आपका दोनों तरफ भला है, इसलिए ये वीडियो बनाया गया था कि लगे रहो मुन्ना भाई। थैंक यू।